अपने खुशनुमा अंदाज से मशहूर 90s की खूबसूरत एक्ट्रेस रानी मुखर्जी वैसे तो दिल की बहुत साफ है, पर इनमें इतना घमंड और नखरीलापन कूट कूट कर भरा है कि इन्होंने बड़े बड़े अभिनेताओं की शादी की ऑफर ठुकरा दी है और उन्हें शर्मिंदा कर दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वही बड़े पर्दे के चार अभिनेताओं ने खुद इनकी शादी के ऑफर को ठुकरा कर इन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा था और ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। पर वो क्यों, किस लिए और कौन कौन से वो चार अभिनेता जिन्होंने रानी की शादी के ऑफर को लात मारी है, चलिए आपको उनसे मिलवाकर इसके पीछे का रीजन बताते हैं। नंबर एक, सलमान खान। चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म में खुद रानी के ऑन स्क्रीन पति बने भाईजान सलमान खान ने रियल में इनकी शादी के ऑफर को ठुकरा दिया था, क्योंकि रानी के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव आदतें हैं जो सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए रानी को रिजेक्ट कर दबंग खान ने सिंगल रहना ही सही समझा था। नंबर दो, बॉबी देओल। यूं तो हैंडसम एक्टर बॉबी देओल ने बादल और बिच्छू जैसी फिल्मों में एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के साथ खूब जोड़ी जमाई, जहां से इन्हें खूब पॉपुलैरिटी भी हासिल हुई। पर जब बात शादी की आई तो बॉबी ने रानी के साथ आए शादी के रिश्ते को ठोकर मार दी, क्योंकि असल जिंदगी में इन्हें रानी से कभी प्यार ही नहीं हुआ, ना ही उनके लिए कोई फीलिंग आई, बल्कि उन्होंने तो हमेशा रानी को अपने दोस्त ही माना था, जिसके चलते रानी का घमंड टूटकर चूर चूर हो गया। नंबर तीन, गोविंदा। खबरों की माने तो हद कर दिया आपने फिल्म के बाद चीची कहलाने वाले अभिनेता गोविंदा और रानी मुखर्जी का अफेयर शुरू हुआ था। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, बावजूद इसके अभिनेता ने अपनी मां की जिद के आगे रानी की शादी के ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि इनकी मां अपनी पसंद की लड़की से ही इनकी शादी करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ना तो रानी से इनकी शादी होने दी और ना ही एक्ट्रेस नीलम कोठारी से। नंबर चार, अभिषेक बच्चन। एक टाइम पहले खुद खूबसूरत एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के आशिक रह चुके अभिनेता अभिषेक बच्चन ने भी इनकी शादी के ऑफर को लात मार दी थी, क्योंकि इनके पिता अमिताभ बच्चन को रानी पसंद नहीं थी और ना ही उनके लिए रानी बेस्ट बहू बन सकती थी, और रानी के हाव भाव भी बच्चन जी को कुछ ठीक नहीं लगते थे। ऐसे में भला अभिषेक अपने पिता के खिलाफ जाकर कैसे रानी को अपना लेते, इसलिए इन्होंने शादी के लिए रानी को रिजेक्ट कर दिया था। वेल दोस्तों, क्या इन अभिनेताओं को रानी जैसी हसीन एक्ट्रेस की शादी का ऑफर ठुकराना चाहिए था? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।